आकर मम्मा, ये मेहनत के चावल है, मेहनत के, और ये यही खाना मेरा बंद करवाने के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। इसका हाथ देखिए, वो वाला हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ये दोनों हाथ और स्वेटर देख रहे, और मैं खुद फील कर पा रही हूँ, इतना थकान हो जाता है ना। एक तो खुद दो पैसा देता नहीं है, ऊपर से मैं थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ, उसके भी पीछे पड़ा हुआ है। लालची घटिया इंसानी हाइती गवार। एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं बना रही हूँ भी पालक की सब्जी, और ये देखिए पालक की सब्जी बना रही हूँ, और दूध चढ़ाई हूँ रिशु के लिए, और सुबह बनाई थी बैंगन भाजा, तो बैंगन भाजा थोड़ा सा रखा हुआ है, तो बैंगन भाजा और पालक से मेरा हो जाएगा, ये बैंगन भाजा से हो जाएगा। और धनिया पत्ती बहुत सस्ती मिल रही थी, तो धनिया पत्ती की चटनी बनाई थी दोपहर को, तो इन दोनों से मेरा हो जाएगा। रिशु के लिए पालक की सब्जी बना रही हूँ, और बनाऊँगी ऑमलेट, वो उसको बहुत पसंद है ऑमलेट, तो बिना ऑमलेट के ना भी ऐसा होगी खा ही नहीं रही है। और घर में जैसे आप लोगों को पता है मेरी सिस्टर है नहीं, आ जाएगी कल, आ जाएगी वो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत। देखिए मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, और रिशु क्या है कि मम्मा पूरा चॉकलेट, मैं इसको थोड़ा सा चॉकलेट में एंगेज करके रखी थी, और ये पूरा भूत बन के आ गई है। क्या कि पूरा फेस, मैं आप लोगों को फेस नहीं दिखा सकती। क्या मम्मा? नहीं मम्मा, पूरा स्वेटर स्वेटर आज ही धोई थी, पूरा खराब कर दी। इसका हाथ देखिए, वो वाला हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ये दोनों हाथ और स्वेटर, आप लोग फेस का अंदाजा लगा लीजिए कि फेस में क्या की होगी वो। अकेले हर चीज मैनेज करो, तुम ऐसा करोगी अभी? बर्तन में जो बदमाशी नहीं की, अभी बदमाशी कर रही। खाना कौन खाएगा? मेरे से चॉकलेट मांगी, मम्मा किंडा खाना है, फोन देख देख के किंडा खाना सीखी, मैं किंडर जॉय, मैं बोली डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क देती हूँ, तो डेयरी मिल्क भी उसको थोड़ी इंगेज करने के लिए, ताकि वो हाथ पोछ देती हूँ, बैठ रही हाथ पोछ देती हूँ, रुको अब देखो, उसको इंगेज करने गई मैं, तब ठंड है, एक तो भयानक ठंड है, ये इसको गीला कर दी थी, इसी को गीला करके इसका हाथ मुंह कपड़ा पोछ देती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे ठंड बहुत कड़ाके की पड़ी है, फाइनली उसका हाथ मुंह अच्छे से पोछ दी हूँ मैं। बस मेरी पालक की सब्जी भी बन गई है, थोड़ा सा रसा रखती हूँ, इसे थोड़ा सा रसा खाएगी, हो गया है, अब बनाऊंगी वो ऑमलेट। घर के काम संभाल के, ब्लॉग बना के, बिजनेस संभाल के, बच्चा पालने में, मतलब सच में बहुत मेहनत लगता है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं खुद अपने मुंह से बोलूँ कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और मुझे बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है और शर्म नहीं है किसी भी चीज़ की कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में कर रही हूँ और सब देख रहे, और मैं खुद फील कर पा रही हूँ, इतना थकान हो जाता है ना, क्योंकि मैं कोशिश कर, मैं भी खाना बना रही हूँ और यहाँ पर रिप्लाई दे रही हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे दीदी एक्सल साइज है क्या, डबल एक्सल है क्या, स्मॉल है क्या, मीडियम है क्या, दीदी इसमें और कोई कलर है क्या, मैं खाना बनाना था रिप्लाई दे रही हूँ। अभी रिशु को लेके मैं बैठूंगी, उसको खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। देखिए अभी 10:14 हो रहा है, 10:14 हो रहा है, और मैं इस वक्त भी खाना बना रही हूँ, मुझे रिशु को खिलाना भी है। लेट इसलिए आज हो गया क्योंकि आज मैं जस्ट एक वीडियो पोस्ट की थी टॉप वाला, तो उसमें सबसे बात करने लगी थी, ऑलमोस्ट सेल हो चुकी है, और अब इसे खाना खिलाऊंगी, खाना खिला के सुला दूंगी, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, ऐसे ही कर करके मुझे करना पड़ेगा, और उसके जगते वक्त तो मेरे लिए करना पॉसिबल है। मुझे काफ़ी लोग बोलते दीदी इसमें आप दूसरा कुछ और दिखाओ, दूसरा कुछ और दिखाओ, मैं अभी मैं जो खोल के वीडियो बना रही हूँ ना, वही सैंपल मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा अलग से खोल के कोई भी सैंपल नहीं दिखा सकती। मेरे घर में एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी है जो चारों ओर मंडराती रहती है, पता नहीं कौन सा कपड़ा उठा के किस में क्या गंदा वंदा लगा दी, कोई वैसे भी एक वाइट कलर का श्रग है, मैं खोली थी उसको, उसको पता नहीं क्या सोची, मेरे को पता नहीं, एक्चुअल में एक सब्सक्राइबर है उसको चाहिए था दीदी वाइट कलर श्रग करके, तो वाइट कलर श्रग मैं खोल के रखी इस फोटो खींचने के लिए, फिर मैं भूल गई, घर से पापा कॉल के पापा से बात करी थी, वो गई श्रग को निकाली, पोछा सीधा पोछा लगाना स्टार्ट कर दी, नवली गए मेरे पैसे फिर मैं उसको कुछ बोली, गलती एक्चुअल में मेरी थी, मैं ध्यान नहीं दी,
चलिए सब्जी बन गई, सब्जी निकाल लेती हूँ। देखिए इतना रसा रखी हूँ क्योंकि मेरी बिटिया रानी थोड़ा रसा रसा पसंद करती है, और दूध भी गर्म की, आखिरी में दूध दूंगी उसको। मेरे को ना मेरे लिए एक टोपी वगैरह लेना पड़ेगा, नहीं का मतलब लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा सर में ओढ़ने के लिए। ऐसा ये शॉल उड़ के नहीं होता है। किचन का लुक पूरा चेंज होने वाला है 2 दिन में। जो न्यू डब्बे आए थे किचन के लिए उसको मैं अच्छे से धो धा के सुखाने के लिए रख दी हूँ, वो जैसे ही सूखेगा। खाने मैं भी बैठ गई हूँ। मैं सोच रही कि मैं एक थाली में बैठते हैं, मैं उससे खिलाते जाऊंगी, मैं खा लूंगी, नहीं तो उसको खिलाते खिलाते मुझे 1 घंटा आराम से लग जाएगा और फिर मुझे खाने में लेट हो जाएगा। भूख भी लग रही है, काम ज्यादा हो रहा है ना तो भूख भी लग रहा है। खिला दो डिम। चटनी है, पालक की सब्जी है, घी है और बैगन है, चावल है और अंडा है। इसलिए ली हूँ क्योंकि घी के साथ ना बैगन भाजा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ऋषु को भी सिखाई हूँ घी खाना। मम्मा गिर जाएगी, उधर इधर आओ। इसको भी संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसको मैं अकेली हूँ ना मेन, इसको इंगेज करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं तो फोन दे देती या फिर कुछ खेलने का चीज। अभी चॉकलेट दी, चॉकलेट से नहा ली पूरा। और इस घटिया आदमी को बस रिपोर्ट मारने आता है। और बच्चे की कस्टडी लगाया है, बच्चा पाल के दिखा ना तू, 1 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए भी दिखा बच्चा पाल के। एक तो खुद 2 पैसा देता नहीं है, ऊपर से मैं थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ उसके भी पीछे पड़ा हुआ है। लालची घटिया इंसानी हाइती गवार। आ करो मम्मा, ये मेहनत के चावल है, मेहनत के। और ये यही खाना मेरा बंद करवाने के पीछे पड़ा हुआ है ताकि मैं मेरी बेटी भूखा रहे, रास्ते में आ जाए। ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को नफरत करता है, बेटी को खाने पीने नहीं देता है। हाँ मम्मा आ करो, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ ना, तेरी कोई औकात नहीं है कुछ भी करने की, समझ में आया? आओ मम्मा पालक दू। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे इसे भी अच्छे से थोड़ा सा बहला फुसला के कहानी सुना के खिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा तो खाएगी नहीं। और मैं भी साथ में खाती रहती हूँ। वो खाने के बाद तो और ठंड लग रही है मुझे, इसलिए मैं मोटा जैकेट पहन ली हूँ। अभी कचरा इतना सारा हो गया है ना बेबी, हाँ कचरा इतना सारा हो गया है ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी कचरा फेंकने जाऊंगी कैसे, क्योंकि ऋषु को अकेला रख के नहीं जा सकती। और उसको कचरा दो झिल्ली कचरा हुआ है, तो ऋषु को गोद में लूंगी तो कचरा का झिल्ली कैसे पकड़ूंगी। इसलिए सोच रही हूँ, मतलब क्या मतलब मैं यहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे ना कचरा वाला कचरा लेने आता नहीं है। जस्ट मतलब सामने ही बाउंड्री के अंदर ही एक बड़ा सा कचरा वाला टैंकर रखा हुआ है, जिसमें आप जितना भी आपका कचरा वगैरह जमा होता है वो सारा आप डाल सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ सुबह नींद से उठूंगी, मतलब 2 बारी जाना पड़ेगा मेरे को नींद से उठूंगी, एक हाथ में ऋषि को गोद में पकड़ूंगी, एक हाथ में कचरा लूंगी, डाल के आऊंगी, फिर वापस आऊंगी, फिर लेके डाल के आऊंगी। यही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि देखिए मुझे अब अकेले ऋषि को लेके रहने का आदत डालना पड़ेगा। क्या करें, आप लोग मेरे साथ हो, ईश्वर मेरे साथ है, बस इतना। आप लोग एक दिन देखना, आप लोग ज़रूर देखना, और मेरा वीडियो तो देखता है इसका नालायक बाप तो देखता ही है। एक दिन मेरा बात ये ज़रूर याद रखना कि ये जो हायर बद्दुआ है ना, इतना फूटेगी ना तुम्हारे ऊपर, इतना फूटेगी ना तुम खून के आंसू रोओगे, देख लेना। एक औरत को तुमने रुलाया है, एक बीवी को तुमने रुलाया, एक माँ को तुमने रुलाया है। इवन आज अलग हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पहला यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया, दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, रिपोर्ट मार रहा है, अभी एक ठोस स्टार्टअप किया उसमें भी टांग लगाने की काम कर रहा है, अलग फेक पे गाड़ी से स्माइली का इमोजी बना बना के क्या कतूल लिख लिख के भेज रहा, यही सब करती है, पढ़ी लिखी होगी, कपड़ा वगैरह बेच रही है, यही सब। क्यों तुम मेरे पीछे जब छोड़े हो तो पूरी तरीके से छोड़ो ना, जब छोड़ ही दिए हो ना तो पूरी तरीके से छोड़ो। क्यों मेरी वीडियोस देखते हो, रिपोर्ट करते हो? मैं कुछ भी करूँ, कपड़ा बेचूँ, बर्तन बेचूँ, पार्लर चलाओ, यूट्यूब चलाओ, तुमको क्या मतलब? छोड़ दिए ना बीवी को, बच्चे को छोड़ दिए ना, तुमको तो हर दिन नया नया कपड़ा चाहिए, जस्ट सोना है, तुम्हारी वर्ड्स है, नया वर्ड्स है कि
कि मुझे नई लड़की चाहिए, मुझे नई बीवी चाहिए, मुझे बोला था तुम पुरानी हो गई हो, पुरानी कपड़े हो गए, मुझे नया कपड़ा चाहिए, इसी का न्यू, इसी का वर्ड है, है ना। तो तुमको अपने पुराने कपड़े से इतना प्यार है, हाँ क्यों, नया कपड़ा तुमको अच्छा नहीं लग रहा है अभी? चलो बेटा अभी सोया जाए, काफ़ी टाइम खाते खाते खिलाते खिलाते 11:30 बज गया है, मैं भी सो जाती हूँ। नहीं 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 मैं नहीं सोऊंगी, नहीं नहीं अभी कह रहे हैं कि आज जो निकले हैं टॉप्स वगैरह, विंटर वेयर टॉप जो निकले हैं आज, उसकी मुझे पैकिंग करके रखनी पड़ेगी। और मैं क्या करती हूँ, कॉपी में नोट करके रखती हूँ। हाँ, मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दी आप कहाँ का आपका डिलीवरी अवेलेबल है, मतलब प्रोडक्ट वगैरह, तो इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया में जितनी भी राज्य है, राज्य में जितनी भी जिला है, हर जगह। मुझे किसी ने पूछा था दी सीजी के हर जिले में, हाँ कहीं पे भी, बस आउट ऑफ इंडिया नहीं है। और आप लोग को पसंद आता तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे ज़रूर भेजिए। आज ही मैं डाली थी अपना नंबर, डाली थी ना फ़ोन नंबर, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैं उठाई तो तो एक लड़के का आवाज़ था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो बोलते हेलो, मैं बोली कौन, बोलते रीशू को बोली, मैं देखो कपड़ा सिर्फ लेडीज़ वेयर है यहाँ पे। हाँ बेटा, गर्ल्स एंड लेडीज़ वेयर है, कोई जेंट्स फ़ोन नहीं करके दोबारा फोन आया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। फिर दोबारा फ़ोन नहीं आया, फिर चुप हुई है। मेरे इसकी मौसी भी नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है। और पता है रिशु क्या बोलती है मेरे को, मम्मा घर चलो। मैं बोली घर, बोली घर में ही तो है। नहीं मम्मा घर चलो, तो मैं बोली कहाँ जाएंगे, नानी घर जाएंगे, बोलती नहीं नहीं घर चलो। तो मैं समझी कि जो हमारा पुराना किराए वाला घर था ना, उसके लिए बोल रही मम्मा घर चलो, मतलब उसको ये लग रहा है कि हम लोग कहीं और आए हुए हैं, कहीं और शिफ्ट हुए हैं। आज ही मुझे बोली तो मैं मम्मा मम्मा घर चलो, मैं बोली बेटा यही हमारा घर है, हम लोग आज के बाद यहीं पे रहेंगे। तो बोलती यही, बोले हाँ हम लोग यही रहेंगे, यही घर है। फिर मैं इसका टॉयज दिखाए, इसके कपड़े दिखाए, बोले देखो सब ला लिए ना हम लोग, तो हम लोग यहीं पे रहेंगे। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी, बस एक कमरा नहीं, इसके दो गेट हैं और दोनों गेट में कितना, कम से कम 1, 2, 3, 4, 6, 6, 18, 36, मतलब टोटल 50 से ज़्यादा, 52 कैमरा, टोटल 52 कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। और मैं जहाँ पे रहती हूँ हमारे सामने भी एक कैमरा लगा है, और इधर लेफ्ट साइड में भी कैमरा लगा है। मतलब कैमरे की, मेरे आप अगर यहाँ रह रहे हो ना, और वो मेन सोसाइटी है आप, और यहाँ पे अगर प्रोवाइड कर रहे हो थोड़ा सा अपना मेंटेनेंस के लिए पैसा आप दे रहे हो, तो आपको पूरी तरह से आपको सिक्योरिटी पूरी तरह से आपको मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हुआ भी है। और इसके पहले मैं जिस घर में रहती थी, उस मतलब घर के सामने हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसमें बहुत सारा कैमरा लगा हुआ था। यहाँ पे तो बड़े बड़े गेट है तो कैमरा लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं यशु को सुला के थोड़ा सा काम ख़त्म करके मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूँगी, सोऊंगी। पूरा दिन भर भागती रहती हूँ ना, ये काम वो काम, थोड़ा बीच में ऐसा हो जाए कि मैं भी ब्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही, इतने काम हो गए हैं। और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद फील कर रही हूँ कि रेस्ट नहीं हो रहा है ना, एकदम बॉडी थक जा रहा है। तो चलिए मैं जितना भी जगूँगी बात करूँगी, तो बात करती रह जाऊँगी। रिशु सोए, सोए मम्मा, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट।